किस फिल्म से इंडियन सिनेमा को एक नई जान मिली? कौन सी ऐसी फिल्म है जो सिर्फ रात में शूट की गई और क्यों इसे सुबह का सूरज नसीब नहीं हुआ? हिंदी सिनेमा की सबसे पहली साउंड फिल्म कौन सी है? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मेरा नाम है निदा और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने इंडियन सिनेमा का नसीब बदल दिया। मैं किस फिल्म के बारे में बात कर रही हूँ, ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाऊंगी। मैं बात कर रही हूँ 1931 में आई आलम आरा के बारे में। ये फिल्म कैसे बनी, कैसे आई और इस फिल्म ने कैसे इंडियन सिनेमा को एक नया जीवन दान दिया। तो अगर आपको ये सारी बातें एक्साइट करती हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हिस्ट्री से आपका थोड़ा सा ताल्लुक है, तो इंडियन सिनेमा की इस फिल्म के बारे में ज़रूर जानिएगा। इस फिल्म ने ना सिर्फ इंडियन सिनेमा को एक जीवन दान दिया बल्कि इंडिया के बहुत ही खानदानी लोग, उनकी फैमिलीज और एम्पायर्स को एक नया जीवन भी दिया। लेकिन ये सारी बातें किसकी वजह से पॉसिबल हुई? आपको बता दूं कि एक जादूगर था, नहीं वो मैजिशियन टाइप नहीं, एक डायरेक्टर था जिनका नाम था आरदेशिर ईरानी। इनकी फैमिली बिलोंग करती थी ईरान के खानदान से, लेकिन इनकी जो फैमिली थी ईरानी साहब की, वो इंडिया में थे, पुणे में बेस्ड थे। आपको बता दूं कि कुछ सालों बाद ईरानी साहब मुंबई आ गए और वहाँ पर उन्होंने अपने मैजिशियन जो टच था, इंस्ट्रूमेंटल शॉप वहाँ पर खरीदी और उसको वो बेचने लगे। लेकिन उनकी जो ये फिल्म है आलम आरा, ये एक एक्सीडेंटल फिल्म थी। आपको बता दूं कि वो एक एक्सीडेंटल डायरेक्टर थे, मतलब वो बनना नहीं चाहते थे लेकिन किस्मत ने उनको बना दिया था। आपको बता दूं कि ये सारी बातें, ये इतनी आइकॉनिक फिल्म एक लॉटरी की वजह से बनी। 1903 में ईरानी साहब ने एक लॉटरी जीती जिसकी कीमत थी 14,000 रुपये और आज उस लॉटरी की कीमत करोड़ों रुपए में है। आपको बता दूं कि वहीं से जो एक इंडियन सिनेमा या जो कह लीजिए फिल्मों का शौक था ईरानी साहब का, वहीं से निकला और उन्होंने वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर बनने का फैसला किया। उस वक्त 1903 में सबसे पहली फिल्म हरीश चंद, राजा हरीश चंद फिल्म बन के तैयार हुई थी और इस फिल्म का इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे। आपको बता दूं कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई और ईरानी साहब का जो मुनाफा था वो भी दुगना हो गया। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और एक दिन ईरानी साहब ने एक ऐसी फिल्म देखी जो कि हॉलीवुड फिल्म थी और उससे वो इतना ज़्यादा इंस्पायर हुए और उनका जो एक्शन था, उनके जो एक सिनेमाटोग्राफी थी, वो सबसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस तरह की फिल्म इंडिया में भी बनाएंगे। और जिसकी वजह से इन्होंने अपना जो एक फिल्म का जो बैकग्राउंड था और फिल्म के लिए जो लोग चाहिए थे, उसका सफ़र स्टार्ट किया। और इस सफ़र में उन्होंने सबसे पहले मुलाकात की बहुत सारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर से कि फिल्म में कॉस्ट्यूम्स कैसे होने वाले हैं, क्योंकि उस वक्त जो इंडिया का फैशन था वो बहुत ज़्यादा अजीब था और फिल्म के हिसाब से वो जो कपड़े थे वो फिट नहीं बैठ रहे थे, जिसकी वजह से वो और ढूंढते रहे और लोगों से मुलाकात करी। उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे प्ले डायरेक्टर से, और वो राइटर भी थी जो लिख रहे थे आलम आरा। ये उनका न्यूएस्ट एडिशन वर्क था जिसमें उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, लेकिन उनके प्ले में बहुत सारे बाहर के लोग थे और वो ये बात नहीं चाह रहे थे। उन्होंने चाहा कि इस फिल्म में थोड़ा सा हिंदुस्तानी टच होना चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने स्टार्ट कर दिया इस फिल्म के एक्टर्स को ढूंढना। लेकिन जितने भी एक्टर्स उन्हें मिल रहे थे उनका एक्सेंट ठीक नहीं था, वो फिट नहीं बैठ रहे थे, और ऐसे ही करते करते इनकी मुलाकात हुई पृथ्वीराज कपूर से। उस वक्त पृथ्वीराज कपूर कुछ भी नहीं थे, लेकिन आलम आरा फिल्म में ये कास्ट कर दिए गए और जाकर इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई जो आज कपूर खानदान इतना ज़्यादा हिट है। ये जो नींव है ना, उस जमाने में उस वक्त रखी गई थी, जो आज रणबीर कपूर उसी का नतीजा है। ईरानी साहब की ये फिल्म इंडिया में तबाही मचा गई क्योंकि ये पहली साउंड फिल्म थी। इससे पहले जितनी भी फिल्में बनती थी वो सारी म्यूट रहती थी और इन्होंने इस फिल्म के जो टीज़र कह लीजिए उस ज़माने का, ऐलान करवाया था कि ये पहली फिल्म ऐसी है जिसमें आप लोगों को बोलता हुआ देखेंगे। इस बात से पब्लिक पूरी तरीके से पागल हो गई और उन्होंने ये फिल्म इतना देखना चाहा। आपको बता दूं कि यहाँ तक कि ब्लैक में भी इस फिल्म का जो टिकट था वो मिलता नहीं था, और 4 आना का टिकट था इस फिल्म का, लेकिन उस वक्त ब्लैक में भी 5 रुपए का बिक रहा था। आप समझ सकते हैं इस फिल्म की पॉपुलैरिटी क्या थी। इस फिल्म ने कई महीनों तक इंडियन सिनेमा को हिला के रख दिया और बता दिया कि इंडियन सिनेमा बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है और बता दिया कि इस फिल्म से कितना बिजनेस किया जा सकता है। आपको बताऊं कि ईरानी साहब की ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ रात में शूट की गई है और इनके पास लोकेशन नहीं थी इस तरह की फिल्म को शूट करने की, तो ये रेलवे ट्रैक के पास करते थे और जिसकी वजह से दिन भर ट्रेन चला करती थी, तो ये रात में जाकर वहाँ पर शूट करते थे। इस फिल्म ने ना सिर्फ इंडियन सिनेमा को एक नया जीवन दान दिया बल्कि वो सारी ऊंचाइयों पर पहुँचा दिया जो आज हमारे इंडियन सिनेमा केपेबल है।
फिलहाल ऐसी बातें मैं और लेकर आऊंगी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्मी रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को, जहाँ पर हम आपको हर फिल्मी खबर देते हैं।